नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। कल दीपावली है। मान्यता है कि धन वैभव और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी इस दिन अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। मां लक्ष्मी के देश भर में कई ऐसे मंदिर हैं जिसे लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, और इस खास मौके पर हम आपके लिए देश के कुछ ऐसे ही मंदिरों के रहस्य लेकर आए हैं जिसे लेकर महालक्ष्मी के श्रद्धालुओं में अटूट आस्था है। महालक्ष्मी पर हमारी इस खास पेशकश में सबसे पहले बात महाराष्ट्र के अंबाबाई मंदिर की। महालक्ष्मी को समर्पित एक ऐसा मंदिर जिसे लेकर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में महालक्ष्मी से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। आखिर क्या है कोल्हापुर की महालक्ष्मी मंदिर का रहस्य, इस रिपोर्ट में देखिए। अद्भुत वास्तुकला, महालक्ष्मी को लेकर अटूट आस्था, वैभव और समृद्धि की देवी मां महालक्ष्मी के इस दरबार को लेकर कई मान्यताएं हैं। तभी तो अपनी मन की मुराद लिए लाखों श्रद्धालु हर साल महालक्ष्मी के दरबार में पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं का मानना है कि इस दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मान्यता मां जरूर पूरा करती है। तभी तो दशकों से यहां पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मां के दरबार में इसी तरह पूरे साल आरती होती है। श्रद्धालु पूरे साल मन की मुराद लिए मां के दरबार में पहुंचते हैं। कोल्हापुर की अंबाबाई महाराष्ट्र के सभी शक्तिपीठों में सबसे खास है। कोल्हापुर में श्री अंबाबाई मंदिर एक प्राचीन शक्तिपीठ है। श्रद्धालु श्री अंबाबाई देवी को शक्ति की आराधना करने वाली देवी के रूप में पूजते हैं। 18 पुराणों में से काशीखंड, पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण जैसे ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख है। मान्यता है कि श्री अंबाबाई ने कोल्हासुर राक्षस का वध किया और तभी से इस शहर का नाम भी कोल्हापुर पड़ गया। भारत में अगर देखा जाए तो तमसोमा ज्योतिर्गमय, प्रकाश की अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाने की कामना करते हैं, और पूरा समाज सभी लोग ये दीपोत्सव में शामिल होते हैं। श्री अंबाबाई के भक्त मानते हैं कि ये इलाका काशी क्षेत्र से भी श्रेष्ठ है। जितनी अटूट इस मंदिर को लेकर भक्तों की आस्था है, उतना ही प्राचीन और हैरान करने वाली है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं, कहा जाता है कि जब शिव और पार्वती के बीच विवाद हुआ, उस वक्त भगवान विष्णु को शिव और पार्वती के बीच मध्यस्थता करनी पड़ी, जिसके बाद विवाद सुलझाया जा सका। शैव संप्रदाय के हो, वैष्णव संप्रदाय के हो, शक्ति संप्रदाय के हो, ये तीनों संप्रदाय के जो उपासक है ये यहाँ आके माता जी की उपासना करते हैं। केवल पुराण ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म से जुड़े कई ग्रंथों में मां अंबाबाई देवी का वर्णन मिलता है, जो इस शक्तिपीठ को लेकर लोगों की मान्यताओं और बल देता है। जितनी रहस्यमयी इस मंदिर को लेकर मान्यताएं हैं, उतनी ही अद्भुत है इसकी वास्तुकला। काले पत्थर से बना ये मंदिर गोल आकार में तैयार किया गया है। महालक्ष्मी मंदिर का ये मंदिर अपने निर्माण की वजह से शोध का विषय है। अंबाबाई देवी मंदिर का निर्माण करते समय कारीगरों और वास्तुकारों ने एक अद्भुत चमत्कार किया। अंबाबाई देवी की मूर्ति पश्चिम दिशा की ओर है और साल में दो बार सूर्य की किरणें मूर्ति पर पड़ती हैं। इस उत्सव को देखने के लिए पूरे भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं, और इसी वजह से इस मंदिर का अनोखा महत्व है। दिवाली के शुभ मौके पर माता जी का दर्शन करना बहुत ही शुभ है और बहुत ही आपको उन्नति देगा और आपको बहुत ही प्रगति देगा। अंबाबाई मंदिर शहर के पश्चिम की ओर है। इसके चारों तरफ चार भव्य द्वार हैं। मंदिर के निर्माण के सही समय को लेकर कोई पुख्ता प्रमाण नहीं, लेकिन अनुमान है कि इस मंदिर का निर्माण करीब 400 साल पहले हुआ था। मंदिर के चारों ओर काले पत्थर में सुंदरियों और नर्तकियों की मूर्तियां को उकेरा गया है। कलाकृति इतनी बेहतरीन कि इतने लंबे समय के बाद भी ये मूर्तियां सजीव लगती हैं। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण रंग भैरव के पत्थर से किया गया है। कहा जाता है कि जिस जगह से मंदिर के लिए पत्थर का खनन किया गया वो अब तालाब बन चुका है, जिसे रंगकाला तालाब कहा जाता है। हैरानी की बात है कि इस मंदिर में केवल महालक्ष्मी ही नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है।
तो वहीं मां अंबाबाई की प्रतिमा देखते ही बनती है। 3 फीट ऊंची ये प्रतिमा रत्न मिश्रित रेतीले हीरों से तैयार की गई है। वैसे तो पूरे साल अंबाबाई के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त इकट्ठा होते हैं, लेकिन नवरात्रि और दीपावली के वक्त देश के अलग अलग हिस्से से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। माता जी के दर्शन के बाद हमारी भावना यही है कि यहाँ के जो सुख और समाधान हमको मिलता है, प्रसन्नता बहुत मिलती है और यहाँ पे आके हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है। और साल में हम लोग 3 से 4 बार तो हमेशा आते ही है और यहाँ पर जो प्रसन्नता मिलती है वो नहीं मिल सकती कहाँ पर भी। महालक्ष्मी देवी को लेकर श्रद्धालुओं में अटूट विश्वास है और शायद यही वजह है कि महालक्ष्मी मंदिर आना वाला हर श्रद्धालु माँ के दरबार में अपनी मुराद रखता है और माँ अंबाबाई उसे जरूर पूरा करती है। कोल्हापुर से प्रताप नाइक, जी मीडिया। दिवाली पर मंदिरों में लक्ष्मी जी की विशेष पूजा का महत्व है। दिल्ली का श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है, इस मंदिर में नारायण भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। दोनों के साथ होने से मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं। इसी वजह से मंदिर में देश विदेश से भक्त अपनी मनोकामना मांगने और पूरी करने आते हैं। दिवाली पर पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। तो क्या है लक्ष्मी नारायण मंदिर और मंदिर में पूजा का महत्व, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली का लक्ष्मी नारायण मंदिर मुख्य रूप से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। मंदिर में कई और देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है। साल भर मंदिर में भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन दिवाली के समय बड़ी संख्या में लक्ष्मी पूजन के लिए भक्तों का तांता लग जाता है। वैसे तो दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का महत्व है, लेकिन भगवान विष्णु के साथ होने से पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। 1933 में राजा बलदेव बिड़ला ने मंदिर का शिलान्यास किया था। 1938 में मंदिर बनकर तैयार हुआ। मंदिर में ही हमें भगवान पे इतना भरोसा होना चाहिए क्योंकि वहाँ रोज साधना होती है। हमारे घर के पूजा घर में और एक सार्वजनिक देवालय में यही फर्क है। हमारे घर के पूजा घर में हम अपनी दिनचर्या के अनुसार पूजा करते हैं, जितना हमें ज्ञान है उतना ही करते हैं। प्रतिदिन यहाँ हम लोगों की साधना होती है और वही साधना आप लोगों की उपासना का प्रतिफल है। मंदिर आने वाले भक्तों में मान्यता है कि यहाँ जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। मैं तो पहले से ही अपने बचपन से ही भगवान विष्णु को प्यार करता हूँ। मैं जो नहीं डिजर्व करता था वो उससे भी ज़्यादा उसने मुझे दे दिया। तो हालांकि मैं किसी भी काबिल नहीं था, लेकिन मेरी आस्था थी, इन्होंने मुझे राह भी दिखाया और तरीका बताया और मेरी मदद की हर जगह पर मेरी बात। दिवाली पर लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती तीनों का पूजन किया जाता है, क्योंकि सरस्वती विद्यादात्री है जबकि गणेश सिद्धि के भगवान है, और जब सिद्धि मिल जाती है तो उसका प्रतिफल लक्ष्मी जी के रूप में मिलता है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती विद्या बुद्धि सद्विवेक अच्छे उसकी दात्री, उसके बाद में सिद्धि के दाता भगवान गणपति, और फिर उन सब सिद्धियों का कारण डू यू हैव सम लक्ष्मी, क्या आपके पास कुछ है मालपानी, तो वो मालपानी माँ लक्ष्मी है। धनतेरस और दिवाली मुख्य रूप से लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, क्योंकि दीपावली प्रकाश का पर्व है। लोग घरों में धन धान्य वैभव के लिए मां लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना करते हैं। संपूर्ण भारतवासी, संपूर्ण हिंदू सनातनी व्यक्ति लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए ही, उनके विशेष आशीर्वाद के लिए ही प्रकाशोत्सव को मनाता है और अपने घरों में यथा समय यथा मुहूर्त के अनुसार जो है दीपावली पूजन करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान नारायण यानी विष्णु ने लक्ष्मी जी को समुद्र मंथन से प्रकट होने के बाद अंधकार में खोजा था, इसीलिए रात में दिया जलाने और पूजा का विशेष महत्व है। जबकि ज्योतिष की माने तो लक्ष्मी जी को ज्योति का प्रतीक माना गया है। रात में दीपक जलाने का अर्थ ये होता है कि हम अपने जीवन से अज्ञानता और अंधकार को दूर कर रहे हैं और ज्ञान समृद्धि और प्रकाश को आमंत्रित कर रहे हैं। दिल्ली से नीतू झा, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ऐसा मंदिर है जिसे देखकर आप कहने लगेंगे कि महालक्ष्मी का मंदिर तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मंदिर में दीवारों से लेकर छत तक धन और वैभव ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब रियासत काल से ही लोग इस मंदिर में अपने गहने और कैश जमा कर देते थे
जिससे दिवाली तक माँ लक्ष्मी धन धान्य के साथ दर्शन देती है। अब भी उसी मान्यता का पालन किया जा रहा है, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दिवाली पर धन धान्य के साथ प्रकट होती हैं महालक्ष्मी। रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर में माँ लक्ष्मी धन धान्य और वैभव के साथ दर्शन देती हैं। दिवाली पर माँ लक्ष्मी का ये मंदिर खजाने से भर जाता है। छतों से नोटों की गड्डियां लटकती हैं। पूरे मंदिर में नकदी ही नकदी नजर आ रही है। मेरे पीछे नोटों की लड़ियां और जो छत है वो पूरी नोटों से सज चुकी है। ये पूरी छत जो है देखिए यहाँ पर एक भी जगह खाली नहीं है और पूरा इतना डेकोरेशन इसका हो चुका है और इसमें सब जो हैं जो नोट हैं उनसे इसका डेकोरेशन किया गया और ये सारे नोट जो हैं वो सभी जो हैं आने वाले जो श्रद्धालु हैं जो हर साल यहाँ पर देख करके जाते हैं कि माँ का जो दरबार है महालक्ष्मी का वो पूरा कुबेर के खजाने से सज जाए। सबसे पहले महालक्ष्मी जी के दर्शन भी करवा देते हैं कि देखिए किस तरीके से महालक्ष्मी जो हैं चांदी के जो हाथी हैं उन पर सवार होकर अब दर्शन को तैयार हैं। महालक्ष्मी मंदिर रियासत काल से पहले का है। इस मंदिर के आसपास चार और लक्ष्मी मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर बाकी मंदिरों के मध्य में है, इसलिए महालक्ष्मी मंदिर को मुख्य माना जाता है। तब से ही परंपरा रही है कि नवरात्र में उस समय धनवान लोग अपने गहने और नकदी इस महालक्ष्मी मंदिर पुजारी को देते थे। परंपरा आज भी वही है। लोग अपने अपने हिसाब से महालक्ष्मी मंदिर के खजाने की सजावट के लिए नोटों की गड्डियां और ज्वेलरी दे जाते हैं, लेकिन अब ये सजावट दिवाली के 5 दिवसीय दीपोत्सव के दिनों तक ही रहती है। जब रतलाम की स्थापना हुई थी तो श्रीमारी ब्राह्मण समाज के बंधुओं को भी साथ में लेकर आए थे राजा रतन सिंह जी। उस समय हमारे श्रीमारी ब्राह्मण समाज के 4 महालक्ष्मी मंदिरों की स्थापना हुई थी। 1907 से रकमों का अलंकरण किया जाता रहा है। वह अलंकरण भी हम इसी तरह करते थे, वो नवरात्रि में देते थे और दीपावली पे पुजारी से वापस ले लेते थे। रतलाम के इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। सिर्फ MP ही नहीं बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र के बाकी जिलों से भी लोग दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर को लेकर भक्तों की आस्था इतनी गहरी है कि उन्होंने तो महालक्ष्मी के नाम से अपना व्यापार भी शुरू किया, जो लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फल फूल रहा है। माँ का आशीर्वाद 78 से है, जब से मैं महालक्ष्मी के नाम से दुकान है अपनी 78 से आज आनंद है। लक्ष्मी जी की देन है, सब कुछ आनंद है। लक्ष्मी जी अब अपरम दया, माता रानी की एक तो कृपा बहुत है और दूसरा यहाँ का जो अद्भुत दृश्य है जो यहाँ पर लोगों के सहयोग से किया जाता है ये भी देखनीय रहता है। ये जो दृश्य है ये मैंने कहीं और देखा नहीं है, जो इतनी सजावट है तो वो देखने के लिए मैं मेरे बच्चों को भी लेके आती हूँ। देश में शायद ही ऐसा कोई और मंदिर हो जहां दिवाली के अवसर पर माँ लक्ष्मी धन धान्य के साथ दर्शन देती हूँ। दिवाली पर वैभव प्राप्ति का भी त्योहार होता है जिसके लिए भक्त माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस मंदिर में माँ लक्ष्मी खजाने के साथ प्रकट होती हैं, इसलिए भक्तों की मान्यता है कि यहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अपनी अपनी मनोकामना पूरी लेके माता जी को चुनरी वगैरह अर्पण करते हैं, माता जी से आशीर्वाद लेते हैं। दिवाली की पूजा, धनतेरस की पूजा, रूप की पूजा यहाँ करते हैं और माता जी से आशीर्वाद लेते हैं। माँ लक्ष्मी के लिए भक्तों की अपार श्रद्धा देखते हुए मंदिर में दोनों तरफ अष्ट महालक्ष्मी की प्रतिमाएं भी स्थापित कर दी गई हैं, जो श्रद्धालुओं का भक्तिभाव और बढ़ा देती हैं। रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रामनगरी अयोध्या में कैसी है दीपावली को लेकर तैयारी।